गुजरात के मोरबी में रविवार को केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनके शव मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में राजकोट के भाजपा सांसद मोहन कुंदरिया की फैमिली के 12 लोगों की भी जान इस हादसे में चली गई है। ये पुल पिछले 6 महीने से बंद था। हाल ही में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया था। काम पूरा हुआ था दिवाली के एक दिन बाद, यानी कि 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी कर दिया है। इसके अलावा घायलों के इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं।